दतिया जिले के सेवड़ा अनुभाग में स्थित रतनगढ़ माता मंदिर पर दीपावली के दूसरे दिन लगने वाले लक्खी मेला, जिसमें 32 लाख श्रद्धालुओं ने इस वर्ष माता रतनगढ़ के दर्शन किए हैं। इस दौरान मेला में करीब 17,000 सर्पदंश पीड़ितों का इलाज किया गया है, बंद काट दिए गए हैं। इतने बड़े आयोजन में जिला प्रशासन की बेहतरीन व्यवस्थाओं के चलते किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटनाएं सामने नहीं आई है और 3 दिनों तक चलने वाला मेला सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है। इसके लिए कलेक्टर संदीप कुमार माकिन और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने संयुक्त रूप से रतनगढ़ मेला के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर जिले के सभी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों और सभी नागरिकों का आभार व्यक्त किया है। कलेक्टर संदीप कुमार माकिन ने कहा कि माई की कृपा से मेले में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई है और मेला निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हुआ है। शिव रमन सिंह राठौर की रिपोर्ट। देखिए, इस बार दो दिन हुई और दो दिन में जो पुलिस और हम लोग का मोटा आकलन है, एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन करीब आप ये मानिए कि 20-21 लाख पहले दिन और 11-11.5 लाख दूसरे दिन पब्लिक आ चुकी है। ऐसा करीब 32 लाख का हम लोग का आकलन है और इसमें करीब 2200 पुलिस कर्मी और करीब मतलब 1000 के ऊपर जो अपने सरकारी अधिकारी मजिस्ट्रेट्स जो बाहर से भी आए थे, अपने थे ही CEO साहब खुद और उनकी पूरी टीम, सेक्रेटरी, पटवारी, ग्राम रोजगार सहायक, PHE का पूरा अमला, डॉक्टरी का पूरा अमला, एम्बुलेंसेस, कोई ऐसा विभाग नहीं है, नगर पालिकाएं जो साफ सफाई उन्हें रखी, तो इतना सारा बिजली विभाग जिनने पूरा आबाद आपूर्ति रखी, उन्हीं का E&M जिनने कोई करंट या ऐसी स्थिति फैलने नहीं दी, तो ये देखा जाए तो एक टीम एफर्ट होता है और जिले के मुखिया होने के नाते मैं सबको बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों का और अपने मजिस्ट्रेट्स का जिन्होंने ना दिन देखा ना रात, और रात 2 बजे भी मैं जा रहा हूँ तो सब लोग दिख रहे थे, 3 बजे भी रात को दिखे, तो मतलब पूरा समय उन्होंने मुस्तैदी से ड्यूटी की और सबसे सब पर माई का आशीर्वाद रहे, उन्हीं के आशीर्वाद से इतना अच्छा मेला संपन्न हुआ। मैं अपने आयुक्त महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिनका सतत मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। पुलिस महानिरीक्षक महोदय का हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 2-3 बार आकर यहाँ पे व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खुद DIG साहब आए और उन्होंने देखा, बाकी SP साहब और आगे आपको कानून व्यवस्था में करीब हम लोग 2200 लोगों का पुलिस पर्सनल्स का डिप्लॉयमेंट था और बहुत ही अच्छा काम किया। 3 शिफ्ट में इतने कम लोगों के साथ में इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करने का चैलेंज था, बट सभी ने इतने लगन से काम किया कि बहुत स्मूथली निकला है। माइक कृपा से इंसिडेंट फ्री रहा है, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं रहा है और इतने काम करने के बावजूद पुलिस पर्सनल्स की भी तबीयत ठीक रही है, क्योंकि वो भी दिक्कत आ जाती है, वो भी नहीं हुआ है। सो एक बड़ा चैलेंजिंग काम था और बहुत अच्छे से निभाया सभी ने और इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम लोग। और बाकी कलेक्टर साहब, रेवेन्यू और पुलिस का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है सभी का मिला के, किसी प्रकार की असुविधा नहीं रही, इवन पुलिस पर्सनल्स को नहीं रही, जो बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल से एक अभूतपूर्व मैनेजमेंट रहा है टोटल में अगर देखा जाए, इतने कम पर्सनल्स के साथ में इतना बड़ा